भेड़िया और सात बकरी के बच्चे। एक दफा का जिक्र है, एक भेड़िया जो कि हमेशा भूखा रहता था, वो बहुत खाना खाता था लेकिन उसका पेट कभी नहीं भरता था। मुझे फिर भूख लगी है। तो वो दिन रात जंगल में अपना खाना ढूंढता रहता था। एक दिन भूखे भेड़िये ने एक घर देखा। वो घर में झांकने लगा और जब वो करीब आया तो उसने पेड़ों के बीच में से देखा एक बकरी और उसके सात बच्चे इस घर में रहते हैं। ओह, ये तो मेरे पूरे हफ्ते का खाना है। भूखे भेड़िये ने सुबह होने का इंतजार किया। सुबह के वक्त बकरी अपने सात बच्चों को अलविदा कहने वाली थी। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर कुछ सामान लेने जा रही हूँ। बहुत ख्याल से रहना और अगर कोई बाहर आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मी। बकरी मार्केट के लिए अपने घर से निकल गई। और तभी भेड़िया ये सब चुपके चुपके देख रहा था और वो पेड़ के पीछे से निकला। लेकिन बकरी के बच्चों को धोखा देना आसान बात नहीं थी। सबसे अच्छा तरीका इनको खाने का है कि अपना भेष बदल लो। भेड़िया ने सबसे पहले पुराने कपड़े पहने, उसने अपने कान नीचे किए और उसने पेड़ की मदद से अपने नकली सींग लगाए। फिर उसने अपने पैर आटे से भर लिए और उसने एक जगह से एप्पल पाई चुरा लिया। और मैं अपनी आवाज कभी चेंज कर लूंगा, उनकी दादी माँ की जैसी आवाज बनाऊंगा। भेड़िया बकरी के घर पे आया और दरवाजा खटखटाने लगा। बकरी के बच्चे जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे। उनमें से एक तो दरवाजा खोलने ही वाली थी लेकिन दूसरों ने उसे रोका। रुको, तुम्हें ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तुम्हें पूछना चाहिए कि बाहर कौन है। कौन है? ये मैं हूँ प्यारी बच्चियों, तुम्हारी दादी। मैं तुम्हें पार्क ले जाने आई हूँ। हमारी दादियाँ मां तो बहुत दूर रहती हैं। तुम वो नहीं हो सकती। ओह, ये बहुत लंबा सफर तय करके आई हूँ मैं। चलो बच्चों, दरवाजा खोलो और पार्क चलते हैं। सारे बकरी के बच्चे नीचे झुके और दरवाजे के नीचे से पैर देखने लगे। देखो, उसके पैर तो बिल्कुल हमारी तरह हैं। हाँ, लेकिन उसके नाखून बहुत बड़े हैं, बिल्कुल भेड़िये की तरह। जब बकरी के बच्चों ने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िये ने उन्हें एप्पल पाई की खुशबू सुंघाई। देखो, मैं तुम लोगों के लिए कितने अच्छे एप्पल पाई बनाकर भी लाई हूँ, जरा इसकी खुशबू तो सूंघो। बकरी के बच्चों ने खुशबू सूंघी और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। कोई भी नहीं समझ पाया कि वो एक भेड़िया है जिसने कपड़े पहने हुए हैं। चलिए दादी अम्मी, जल्दी से पार्क चलते हैं। हम वापस आकर एप्पल पाई खाएंगे। बकरी के बच्चे और भेड़िया चलने लगे। बहुत भूख लग रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा। जब भेड़िया चल रहा था तो उसके कपड़े पेड़ की टहनी में अटक गए। भेड़िये के कपड़े उतर गए और बकरी के बच्चे ये सब देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने भेड़िये को देखा, ये भेड़िया आया है, भागो, 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 ये भेड़िया आया है, भागो, भागो। जब भेड़िया समझ चुका था कि वो पकड़ा गया है तो वो वापस पहले जैसा बन गया और वो बकरी के बच्चों को पकड़ने लगा। उसने एक एक कर कर सारे बच्चों को पकड़ लिया। उनमें
उनमें से सिर्फ एक बच गया और वो वहां से भाग गया। भेड़िये ने 6 बकरी के बच्चों को अगवा किया और अपने घर ले गया। वो बकरी का बच्चा जो बच गया था अपनी अम्मी को सब बताना चाहता था। दूसरी तरफ बकरी अपने हाथ में एक बास्केट लेके जिसके अंदर फल और सब्जियां थी, घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो जल्दी से घर में गई लेकिन उसको अपने बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? मेरे प्यारे बच्चे, हाँ। बकरी बहुत परेशान हो गई और वो अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर से बाहर चली गई। उसने देखा जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान थे। अरे नहीं, ये पैर के निशान तो भेड़िए के हैं। उसने थोड़ी देर तक उनका पीछा किया लेकिन आगे जाकर वो सब मिट चुके थे। अब मैं क्या करूंगी? भेड़िया मेरे बच्चों को ले गया है। जब बकरी रो रही थी तो बकरी का बच्चा जो भेड़िया से बच गया था उसके पास आया। मामी, क्या हुआ मेरे बच्चे? मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं? एक भूखा भेड़िया भेस बदल के हमारी दादी की शक्ल में आया था। उसने हम सबको किडनैप कर लिया था। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। बकरी का बच्चा और बकरी भेड़िया के घर की तरफ निकल पड़े। जब वो घर में आए तो उन्होंने बकरी के बच्चों की आवाज सुनी। ये तो भेड़िये का घर है, हमें बहुत एहतियात करनी होगी मेरे बच्चे। बकरी और बकरी के बच्चे ने एक मंसूबा बनाया जिसकी मदद से वो बच्चों को बचा सकें। वो दोनों दरवाजे पर खड़े हुए और अपने हाथों से एक भालू की परछाई बनाई। घर के अंदर भेड़िया उन बच्चों को बस खाने ही वाला था लेकिन उसने भालू की परछाई देखी। अरे ये क्या है, ये तो भालू लग रहा है। मैं एक बहुत बड़ा और भूखा भालू हूँ, यहाँ जरूर एक भेड़िया होगा जिससे मेरा पेट भर जाएगा। भागो। भेड़िया ये सोचकर बहुत डर गया था कि भालू उसे खा जाएगा और वो भागने लगा। नहीं, कोई मेरी मदद करे, भालू 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 मुझे खा जाएगा, भागो भागो। भेड़िया को भागते देखकर बकरी के बच्चे बाहर आए और अपनी अम्मी को गले लगा लिया। अम्मी अम्मी, आप आ गई, आ गई, आप आ गई। और उसके बाद बकरी और बकरी के बच्चे जंगल में अपनी जिंदगी बहुत खुशी से गुजारने लगे, भेड़िये से बहुत दूर। एक बार 3 खरगोश जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने जंगल में एक बहुत बड़े गाजर को देखा। वाओ, वो गाजर देखो, मैंने सबसे पहले देखा। मैंने उसे पहले देखा, वो गाजर मेरी है और किसी की नहीं। लेकिन मैंने पहले गाजर को देखा। खरगोश बहुत देर तक बहस करते रहे, तभी उनमें से एक के पास एक बहुत अच्छी तरकीब आई। चलो तो फिर हम रेस करते हैं जंगल से यहाँ तक की दोस्तों, जो भी पहले पहुँचेगा गाजर उसकी। पर उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि कौन सी रेस करें। मैं बहुत तेज भागता हूँ। और मैं जंप अच्छा करती हूँ। उसी दौरान एक भेड़िया जिसका नाम जैक था, जो खाने की तलाश में घूम रहा था, वो जल्दी से झाड़ियों में छुप गया उन तीनों खरगोशों की आवाज सुनकर। इतनी भूख लग रही है और सामने ये तीनों मोटे ताजे खरगोश, क्या बात है, मजा आ जाएगा। चलो पहले जंगल की रेस लगाते हैं। जैसे ही भेड़िये को पता चला कि खरगोश उस गाजर के लिए मुकाबला करने वाले हैं, तो उसने थोड़े से ही फासले पर जल्दी से जाके जमीन में गड्ढा खोदा और उसे बहुत सारे पत्तों से ढक दिया। कोई भी खरगोश मेरे बिछाए हुए जाल से नहीं बच सकता।
थोड़ी देर बाद उन तीनों खरगोशों ने दौड़ना शुरू किया। तीनों एक दूसरे को पीछे छोड़ रहे थे और वाजे नहीं हो पा रहा था कि इनमें से आगे कौन है और पीछे कौन है। और वो भेड़िया जैक जो खरगोश को ट्रैक पर भागते हुए देख रहा था गड्ढे की तरफ आते हुए। तुम तीनों उस गड्ढे में गिर जाओगे। लेकिन खरगोश इतनी तेजी में भाग रहे थे कि वो गड्ढे में गिरे ही नहीं और आगे निकल गए। भेड़िये जैक ने जाल को देखा और हैरान रह गया क्योंकि जाल तो हिला ही नहीं। हाँ, खरगोश आखिर इस गड्ढे में क्यों नहीं गिरे? फिर जैक ने खुद एक बार जाल पर कूद कर देखा, फिर दोबारा कूदा और तीसरी बार कूदा तो गड्ढे में गिर गया। अरे नहीं, मैं अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया। जिस दौरान भेड़िया गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रहा था उसी दौरान तीनों खरगोश छलांग लगाने की रेस शुरू करने वाले थे। याद रखना, हम लोग गाजर की ही सिम्प में भागेंगे, ठीक है? जैसे ही रेस शुरू होने वाली थी उनमें से एक खरगोश के पैर में कांटा घुस गया। मैं अपने जख्मी पैर के साथ नहीं कूद सकती। जब उसके खरगोश दोस्त उसकी मदद कर रहे थे खतरनाक भेड़िये जैक ने गाजर की साइन का रुख बदल दिया। गलत जगह पर कूदो और मेरे जाल में फंस जाओ, बेवकूफ खरगोश। जैक ने खरगोशों के लिए फिर जाल बिछा दिया। उसी दौरान खरगोश के पैर में से कांटा निकल गया था और फिर रेस शुरू हो गई। तीनों खरगोश एक दूसरे से दूर कूदने लगे साइन के रुख के हिसाब से। थोड़ी देर बाद वो तीनों खरगोश चौराहे पे आ गए। गाजर से बने दो साइन लगे हुए थे। उन्हें देखकर तीनों खरगोश परेशान हो गए। हम सीधे हाथ की तरफ जाएं या उल्टे हाथ की तरफ? उल्टे हाथ की तरफ। नहीं नहीं, सीधी तरफ। तीनों खरगोशों ने उल्टे हाथ पर जाने का फैसला किया। उसी दौरान भेड़िया चुराया हुआ छत्ता लेकर जो कि शहद की मक्खियों का था रास्ते में एक पत्थर पर लगा रहा था और वहां छुपकर खरगोशों का इंतजार करने लगा। तुम लोग अब आखिरी बार कूदोगे। खरगोशों ने ये देखा कि जहां वो आए हैं वो एक दलदल है और वहां कोई गाजर नहीं है। नहीं रुको, मुझे ऐसा लगता है कि हम गाजर से बहुत दूर आ गए हैं। तो चलो पत्थरों पे से कूद के इसे पार करते हैं। जब खरगोश पत्थरों पे कूद रहे थे उनमें से एक खरगोश पत्थर पर चिपक गया। ओहो, मैं पत्थर में फंस गया हूँ, मैं कूद नहीं पा रहा। बाकी खरगोश उसकी मदद करने के लिए आए और जल्दी से उसके बाजू से पकड़कर उसे बाहर निकाला। शुक्रिया मेरे दोस्तों। और फिर खरगोश वापस दौड़ने लगे। भेड़िया जिसके हाथ में शहद था, शहद की मक्खियों ने उसके हाथ में शहद देखते ही उस पर हमला कर दिया। बचाओ! भेड़िया खुद अपने जाल में फंस गया और दलदल में गिर गया। अरे नहीं, मैं डूब रहा हूँ। तीनों खरगोश तीसरी रेस के लिए नदी के किनारे जमा हो गए। मुझे तैरना बहुत अच्छा आता है, देखना मैं ही जीतूंगा। जब खरगोश आपस में बात कर रहे थे जैक के जहन में एक और तरकीब आई। जैक ने कुछ दूर सलाद के पत्ते रखे जहां पर खरगोशों को आना था। एक बड़ा सा जाल लेकर जैक दरख्त पर चढ़ गया। जब तक खरगोश खाना पीना करेंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। तीनों खरगोशों ने पानी के अंदर तेजी से तैरना शुरू किया। अगर एक खरगोश आगे निकलता तो दूसरा उससे आगे चला जाता। आखिरकार तीनों एक ही वक्त पर पहुंच गए।
पानी से निकलकर जमीन पर। जैसे ही खरगोशों ने सलाद के पत्ते देखे तो फौरन उसे खाने के लिए उसके पास पहुंच गए। जैसे ही भेड़िया उन्हें पकड़ने वाला था, दरख्त की ऊंचाई से उनमें से एक चिड़िया उनके जाल में फंस गई और जैक उनके साथ उड़ गया। फिर उसने कहा, नहीं, मुझे नीचे उतारो। तीनों खरगोश आखिरकार उस बड़े से गाजर के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने आखिरी बार उसकी तरफ दौड़ लगाई। लेकिन भेड़िया अपनी बुरी हरकतों से बाज ना आया और गाजर के भेस में छुपकर वहां बैठ गया। इस बार तुम लोग मेरे शिकार से हरगिज नहीं बच सकते। जब भेड़िया मुंह खोलकर और आंखें बंद कर खरगोशों का इंतजार कर रहा था तो दूर से एक किसान उस गाजर के पास आया और उसने देखा वहाँ एक बड़ा गाजर है। वाओ, उस गाजर को देखो जरा, कितनी बड़ी है। किसान को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ जो वो अपने कंधे पे ले जा रहा है वो दरअसल एक भेड़िया है। जाने दो मुझे, मैं गाजर नहीं हूँ, मैं एक भेड़िया हूँ, बुरा भेड़िया जैक। रेस के आखिर में तीनों खरगोशों ने एक साथ रेस को खत्म किया। तीनों ने ही उस रेस को जीत लिया। हम तीनों ने सारी रेस एक साथ खत्म की है। इसका मतलब ये हुआ कि हम गाजर आपस में बांट सकते हैं। हाँ, लेकिन वो गाजर कहाँ पर है? तीनों ने गाजर ढूंढनी शुरू की और असली गाजर ढूंढ ली जो भेड़िया छुपा रहा था। तीनों खरगोशों ने साथ में वो गाजर खाई, क्योंकि सबसे जरूरी चीज होती है एक अच्छा दोस्त होना, जिनके साथ आप सबको जीत जाओ।